हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे हॉट टॉपिक विच इज ऑन जूम ऐप। आप जूम ऐप के थ्रू कैसे अपने स्कूल को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक साथ लेके आ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक डिपार्टमेंट। एज ए टीचर आप कैसे पढ़ाएं और एज ए स्टूडेंट आप कैसे जूम ऐप के जरिए अपने लेक्चर को लें या पढ़ा सकें। इसमें मैं पहले पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि एज ए टीचर आप कैसे कॉन्फ्रेंस सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों के पास पहुंच सकते हैं, कैसे उनकी क्वेरी ले सकते हैं। सेकंड फेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि एज ए स्टूडेंट आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से और अपने डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑन स्क्रीन शेयरिंग। आप लाइव स्क्रीन को कैसे शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की, जिसमें आप रियल टाइम रियल लाइफ वीडियोज दिखा सकते हैं, डिफरेंट एनोटेशन टूल्स यूज कर सकते हैं और सब कुछ आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट ऑन द बिलो आइकन। एंड ऑल्सो अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी है इन टर्म्स ऑफ एनी ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का क्लासेस हो चाहे गूगल क्लासेस हो, प्लीज पिंग मी अप। मैं सबको इजिली हेल्प करूंगा एंड आई विल बी गाइड थ्रू। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। कैसे यूज करें फॉर टीचिंग, हम लोग कैसे यूज़ करें जूम ऐप को फॉर टीचिंग, आई विल टेल यू द प्रोसेस हाउ टू डू इट। जूम ऐप को आप ओपन करिए प्ले स्टोर पे, देन इंस्टॉल इट। वंस यू ओपन इट यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और पेज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओके। इसमें आपको ज्वाइन अ मीटिंग आप कर सकते हैं या फिर आप होस्ट कर सकते हैं। होस्ट मतलब आप पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर। सो टीचर को पहले क्या करना है, इसमें साइन इन करना है। जस्ट साइन इन टू इट, या तो अपना गूगल के अकाउंट से करिए, फेसबुक के अकाउंट से करिए, डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस तरीके से इसको ऑथेंटिकेट करना है। तो आप अपना जीमेल का अकाउंट से लॉगिन करिए। वंस यू लॉगिन टू योर जीमेल अकाउंट, ओके, यू विल फाइंड योर पेज इन अ डिफरेंट मोड और उसका डैशबोर्ड इस तरीके से रहेगा। नाउ कैन यू सी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल। देखिए इसमें आपको आ रहा है इजिली न्यू मीटिंग आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से यू कैन ज्वाइन द सेशन। ज्वाइन मतलब आपको कोई सेशन ज्वाइन करना कर सकते हैं। यू कैन शेड्यूल सेशन, यू कैन शेयर स्क्रीन। तो इस पर हम लोग अभी आएंगे धीरे धीरे। तो आपको अभी सेशन स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को सेशन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए इन्विटेशन आईडी और इन्विटेशन कोड। तो लेट मी स्टार्ट अ न्यू मीटिंग। तो आप या तो न्यू मीटिंग स्टार्ट करने से पहले इन्विटेशन कोड भेज दीजिए। उसके लिए आप क्लिक करिए मीटिंग पे, बॉटम पे ऑप्शन आता है मीटिंग का। देखिए ये रहा आपका इनविटेशन कोड, लाइक दिस सेंड इनविटेशन। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरीके से बच्चों को कम्युनिकेट करना है यहाँ पे पूरा आ जाएगा, उसका डिफरेंट डिफरेंट शेयरिंग मोड। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से। तो इसमें मान लीजिए आपको क्या चाहिए होता है, सेशन का आईडी चाहिए और सेशन का पासवर्ड चाहिए। तो ऊपर देखिए जूम आ रहा है लिख करके, यहाँ पे आपका मीटिंग आईडी दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ जो भी आपको ज्वाइन करेगा उसके पास आपकी मीटिंग आईडी होनी चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं ज्वाइन कराता हूँ किसी बच्चे को एज ए स्टूडेंट। तो मेरे पास एक और फोन है यहाँ पे, मैं इसको लॉग इन करता हूँ जूम ऐप से। तो देखिए बच्चे के पोर्टल पे यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट मीटिंग ज्वाइन मीटिंग। तो बच्चे को यहाँ पे ज्वाइन करना है मीटिंग। ज्वाइन करने के लिए वो आपसे मांगता है आईडी पासवर्ड। तो आपकी मीटिंग आईडी आपको पहले ही पता है, ये 338 करके है, ये जो मैंने पहले से सेव कर रखी है। नाम आपको बच्चे को एंटर करना है, अपना नाम, और ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चा ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेगा तो वो उससे पासवर्ड मांगेगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज ए टीचर। पासवर्ड आपको क्या दिख रहा है, 8 सब कैपिटल में, KBQ76। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो बच्चा आपको ज्वाइन करेगा एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पास ये रहता है कि ही हैज टू ज्वाइन विद वीडियो, तो क्लिक करिए ज्वाइन विद वीडियो ताकि उसकी वीडियो भी आपको दिखे। तो बच्चा ज्वाइन कर रहा है। देखिए बच्चे ने जैसे ज्वाइन किया आपका पास ऑप्शन आता है कि इसको एडमिट करें या वेटिंग रूम पे रखें। एडमिट करने से बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से और वेटिंग रूम में वो होल्ड हो जाएगा। ये देखिए तो ये बच्चे की स्क्रीन आ गई है, ठीक है।
तो बच्चा आपको इजिली आपको देख सकता है, ये बच्चे की लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे का पोर्टल है, जो बच्चे का पोर्टल इजीली आपको दिखाई देगा, आप जो भी इसमें बताएंगे बच्चे को वो इजीली दिखाई देगा, आप इजीली अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके हाँ, तो इसमें आप देखिए, अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चे को आप सेशन दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को ये करना है कि बच्चे को अपना कोई क्वेरी पूछना है, तो बच्चा कैसे क्वेरी पूछ सकता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है रेज हैंड का, ये तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट है, ये मैं दिखा रहा हूँ बच्चे का प्रोफाइल। तो देखिए इसमें दिखा रहा है शौनक ध्यानी बच्चा है, सौरभ शर्मा टीचर है जो कि अभी होस्ट कर रहा है, आपको दोनों को म्यूट करा हुआ है होस्ट ने। नाउ इसमें आपको पार्टिसिपेंट की लिस्ट दे सकती है, दिखाई दे सकती है। अब किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो ही विल रेज हैंड, देखिए ऑप्शन आता है रेज हैंड का। जैसे ही रेज हैंड का ऑप्शन आया, देखिए आपके नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है शौनक ध्यानी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप इससे बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ शौनक आप मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, या तो वो मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकता है, या फिर वो मुझसे इजिली थ्रू वीडियो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि आप लोग और क्या कर सकते हैं। तो आपने अभी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी है, आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं आपको यहाँ दिखाई देगा, स्क्रीन को फ्लिप करना है आपने इस तरीके से। तो देखिए बॉटम पे शौनक ध्यानी है जो बच्चा है, टॉप पे सौरभ शर्मा जो टीचर है। ऐसे ही अगर 50-60 बच्चे आ जाते हैं तो आपको सबके स्क्रीन दिखाई देंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। नाउ हम लोग बात करते हैं एक्चुअल टीचिंग की। अब देखिए आपका कैमरा ओपन है, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे पढ़ाएंगे वो बच्चे को सबको दिखाई देगा, सुनाई देगा, और दे कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अभी आपको मान लीजिए आपके पास कोई टीचिंग एड है, तो आप वो कैमरे के हिसाब से आप फ्लिप कर सकते हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाना है यूजिंग कैमरा, तो आप इसको ऊपर से फ्लिप कर सकते हैं, कैमरा फ्लिप मतलब बैक कैमरा खुल जाएगा, आपको जो मॉड्यूल आपने पढ़ाने हैं वो आपको किस तरह बच्चों को दिखाई देंगे, कोई बुक का पेज हो सकता है या कुछ मटेरियल हो सकता है, मान लीजिए कुछ मटेरियल आपको दिखाना हो, आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं बच्चों को एक्सप्लेन। नाउ सेकेंड ऑप्शन कि हम लोग और क्या चीज़ इसमें कर सकते हैं एड ऑन, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई फोल्डर है, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले से ही सेव कर रखी हो, आप स्क्रीन पर क्लिक करिए, बॉटम पे शेयर का ऑप्शन आता है। नाउ यू कैन शेयर योर माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कोई फोटो है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई फोटो मैंने अपनी गैलरी में रखी है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं उस फोटो को इजिली पिक कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी फोटो है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो इज, तो मैं इजिली इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने बारे में, मैं इजिली इसको बच्चों को हाईलाइट कर सकता हूँ इस तरीके से, आई कैन एक्सप्लेन देम वट एवर आई फील लाइक, ठीक है। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनेशन आई वॉन्ट टू यू नो इजिली मेक देम अंडरस्टूड कि इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपकी फाइल होती है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। नाउ गोइंग बैक, आपको बैक पे क्लिक करना है एंड आपको जाना है स्टॉप शेयरिंग पे, नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो फिर से लाइव हो जाएगी, अगेन यू आर बैक। तो आप यहाँ से अपनी फोटो या आपका व्हाइट बोर्ड है, आप एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं इस तरीके से, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे को जो भी आप चाहते हैं करना एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन इस तरीके से, यू कैन इजिली कंडक्ट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ अगेन गोइंग बैक, दिस विल बी सेव्ड अगेंस्ट योर आईडी एंड पासवर्ड, सेव टू एल्बम न्यू व्हाइट बोर्ड, आप सेव भी कर सकते हैं या आप नया एल्बम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग बैक, लेट मी क्लिक ऑन स्टॉप शेयर, आपको स्टॉप शेयर पे क्लिक करना है, स्टॉप शेयर पे क्लिक करते ही आपका जो भी व्हाइट बोर्ड जो भी इंटरफेस था वो इंटरफेस हट जाएगा। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयरिंग स्क्रीन, जो भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं अगर आप बच्चे को शेयर करना चाहते हैं आप इजिली कर सकते हैं, कैसे, क्लिक करिए शेयर पे, शेयर स्क्रीन, तो ये पूछेगा कि जूम आपका स्क्रीन शेयर कर रहा है, स्टार्ट नाउ टीचर अपने फोन पे, वो ऑटोमेटिकली बच्चे को शेयर हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाना है मान लीजिए बच्चे को, या मुझे अपने कोई फाइल से कुछ भी पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल या वर्ड दिखाना है, या कोई यूट्यूब से कुछ लिंक दिखाना है, तो मैं इजिली दिखा सकता हूँ। और अगर मैं बच्चे के पोर्टल पर जाऊंगा अभी,
इस तरीके से ये बच्चे का पोर्टल है, ठीक है। तो देखिए जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है एज ए टीचर वो बच्चे को सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर मैं अपना फाइल मैनेजर खोलता हूँ एज ए टीचर, सो मेरी जो भी फाइल हैं जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगी और उसको क्लिक करके मैं बच्चों के साथ वो शेयर कर सकता हूँ इजीली। दैट इज़ अ स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन जिससे आप अपने हिसाब से लाइव बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू एंड द सेशन, बॉटम पे देखिए बटन आता है, आपको वो एंड करना है एज ए टीचर, ठीक है। देखिए ये बटन आया है स्टॉप शेयरिंग एनोटेशन, एनोटेशन से आप कुछ भी इसमें मार्क कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है और रोकना है उसके बाद, तो आप इस पे क्लिक करिए स्टॉप शेयरिंग पे। जैसे आप स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा और आप बैक लाइव आ जाएंगे। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, आप प्लीज़ बॉटम पे कमेंट करिए, लाइक करिए एंड इसको शेयर करिए, एंड आई विल बी पर्सनली हेल्पिंग यू आउट टू क्रिएट आईडी, पासवर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ स्कूल प्लेटफॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड।